27 सड़कें हैं अभी तक पूरे मंडी ज़िला में जो अभी तक बंद है, और वो भी एक आधे दिन के अंदर अब जो है वो खोल दी जाएगी। अब उसके बाद जो रेस्टोरेशन का कार्य इन सड़कों के ऊपर होना है उसके लिए हम पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। दो इसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक NHAI जो हमारे फोर लेनिंग का कार्य कर रही है, और एक हमारा जो मॉर्थ मिनिस्ट्री है जिनके माध्यम से कुछ सड़कों डायरेक्टली जो है वो आपका केंद्र सरकार का मंत्रालय देख रहा है। इसमें कुछ इश्यूज़ हमारे माननीय विधायक साथियों ने उठाए हैं, कुछ और साथियों ने उठाए हैं, इसको हम प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे। जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई इलीगल डंपिंग हो रही है या कोई जो डंपिंग साइट्स आइडेंटिफाई कर दी है मगर उसके बावजूद वहां पे जो है डंपिंग नहीं हुई है, उसकी वजह से जो आपके नदी का स्तर है बाढ़ों में वो बढ़ गया या और इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हम प्राथमिकता पे यहाँ के जो अधिकारी हैं, इनके RO है, रीजनल ऑफिसर्स है या इनके और जो अधिकारी हैं उनके साथ उठाएंगे। एंड इफ़ नीड बी वी विल टेक अप दिस इशू विद द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो। पिछले कल वो हिमाचल आए थे इसलिए हमने बहुत डिटेल में उनसे डिस्कशन नहीं करी, क्योंकि पिछले कल केवल नई स्कीम्स को लेने के लिए उनसे निवेदन किया था, मगर जो ongoing स्कीम्स है अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस विषय को भी हम पूरी मजबूती के साथ NHAI के और जो मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं उनके साथ उठाएंगे, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे क्षेत्र के लोगों को ना आए, इस पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। CRF के तहत जो और हमको दो सड़कें अभी दी है, जिसको और दो और सड़कें देने की उन्होंने बात करी है, टोटल 4 सड़कें इस फाइनेंशियल ईयर में देने की बात करी है, उसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। और मिलकर, मैंने कई बार ये बात कही है और आज मीडिया के माध्यम से भी इस चीज़ को साझा कर रहे हैं कि हम मिलकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस आपदा से हम बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, मगर मुझे विश्वास है कि ये मंडी छोटी काशी है, इसे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपना दूसरा घर कहते हैं, और इस समय में जब इतनी समस्याएं हमारे पूरे मंडी में कुल्लू में आई हैं, मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार दिल खोल कर हिमाचल प्रदेश का जो है वो सहयोग करेगी। जैसा मैंने कहा कि 650 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे विभाग को HPWD को 221 करोड़ का, जल शक्ति को 202 करोड़ का, हमारे बिजली बोर्ड को करीबन 30 करोड़ का, और वैसे ही हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन को मिलाकर करीबन 34.6 और 1 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो मंडी ज़िला के अंदर हुआ है। इसका हमने पूरा स्टॉक टेकिंग करी है और इस मसले को अब हम आपके डिप्टी कमिश्नर जो है इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएंगे और उसको हम सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, ताकि यहाँ का जो रिवाइवल प्लान्स है उस पर पूरी मजबूती के साथ जो है उस पर कार्य किया जा सके। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय न्यू कृष्णा एम्पोरियम, कॉलेज रोड, कांगड़ा।